अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नीसन हाला व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाइट चनों के पुलाव की रेसिपी। तो चलिए आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है 2 अदद प्याज ब्री कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, बॉयल किए हुए चने 1 प्याली, 1 प्याली हमें चाहिए दही, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, शान पुलाव बिरयानी मसाला 1/2 पैकेट, 2 प्याली चावल, इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था जी। तो 1 कप ऑयल में हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। जी तो ये देखें आप, ये प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब ये इसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड करेंगे। आंच को आपने तेज ही रखना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून आपने पुलाव बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। साथ ही इसमें आपने दही ऐड कर देनी है। ये आपकी मर्जी है आप इसमें टमाटर ऐड करें या दही ऐड करें, लेकिन अगर आप दही ऐड करेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आप इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखते हैं। जी तो ये देखें, ये ड्राई हो गया सारा और इसका ऊपर आने लग गया है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आपने चने पहले से बॉईल करके रखे हुए, जिस तरह मैंने करके रखे हुए थे, तो ये आपकी आधे घंटे के अंदर अंदर आपके सारा पुलाव रेडी होता है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। मेरे पास पड़ी हुई थी पहले थोड़ी सी चिकन स्टॉक, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जी तो ये जैसे ही इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे दम पे, और इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जी तो ये देखिए अब हम इसको रख लेते हैं दम पे 15 मिनट के लिए। जी तो ये मजेदार सा चना पुलाव रेडी है। इसको मैं आलू चिकन की टिक्कियों के साथ और साथ में रायते के साथ सर्व करने लगी हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।